ये जो फीलिंग ऑफ अनफुलफिलमेंट है, जैसा इन्होंने कहा, ये हमें ड्राइव करती है जीवन में कुछ करने के लिए, और हमें लगता है वो कुछ करके फुलफिलमेंट हासिल हो जाएगी। एब्सोल्युटली एक बात इससे प्रूव हो गई, नहीं दो बातें इससे प्रूव हो गई। पहला, देयर इज सम अनफुलफिलमेंट इन अस, प्रूव्ड। दूसरी बात इससे प्रूव हो गई, हम सब उस अनफुलफिलमेंट को फिल करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम प्रयास करना चाहते हैं, हम आलसी लोग नहीं हैं, वी आर गुड पीपल, वी वॉन्ट टू डू सम प्रयास फॉर दैट। दो बातें प्रूव हो गई, विच इज फिनोमिनल, जो हमें इंसान ह्यूमन बींग बनाती है। देयर इज अ प्रॉब्लम है, जो हमारा मैकेनिक्स है फुलफिल होने का, वो मैकेनिक्स में गड़बड़ है। जो हम वेज अडॉप्ट कर रहे हैं फुलफिल होने के, उन वेज में गड़बड़ है। इट्स लाइक, आई डोंट अंडरस्टैंड बॉम्बेज ज्योग्राफी, बट विच साइड इज जुहू, दिस साइड और दिस साइड? दिस साइड। ओके, तो जुहू किस तरफ? इस तरफ, इस तरफ। ओके, सो लेट्स से जुहू इज दिस साइड एंड आई वॉन्ट टू गो टू जुहू, बट मैं सारा काम कर रहा हूँ इस तरफ चलने का, तो मैं जुहू कभी पहुंचूंगा नहीं, तो वो जो पात्र है कभी भरेगा नहीं। दैट्स एग्जैक्टली द प्रॉब्लम। और मैंने यहीं से बात शुरू की, हम इस अनफुलफिलमेंट को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं इन द डोमेन ऑफ फाइव सेंसेस, एंड वी आर नॉट यूजिंग आवर इंटेलिजेंस। हम हर अनुभव से ये नहीं देख रहे कि जो भी पांच सेंसेस के भीतर है वो आपको नहीं भर पाता। हम नहीं सीख रहे ये बात, और हम ये रोज कर रहे हैं। अगेन टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आज आपका मन है बहुत स्वादिष्ट बिरयानी खाने की, आपने बहुत दिन से बिरयानी नहीं खाई, एंड यू वॉन्ट टू बी फुलफिल्ड बाई ईटिंग दैट बिरयानी। आपने खा ली वो बिरयानी और आहा मजा आ गया वो खा के, वट एवर, जस्ट यूजिंग बिरयानी एज एन एग्जाम्पल। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, 24 घंटे के अंदर आपकी अनफुलफिलमेंट फिर जागेगी और अब चाह आएगी समोसा खाने की, हाँ दूसरी चाय, और फिर अब वो दूसरा समोसा या चाय भी खाओगे और फिर वो थोड़ी देर के लिए होगा, फिर फुलफिलमेंट नहीं आएगी। हम ये सीख ही नहीं रहे कि ये बिरयानी और समोसा मेरी अनफुलफिलमेंट को फिल नहीं करेगा। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए मुझे ये करते हुए, बट मैं नहीं समझ रहा कि इट्स अ रॉन्ग डायरेक्शन, दिस थिंग विल नेवर फुलफिल, ये क्षणिक होगा एंड देन अगेन द पात्र विल बी एम्प्टी। ये खोपड़ी की तरह जो मैंने पहले स्टोरी शेयर की, वी नॉट लर्निंग दिस। इट मीन्स, वन सेकंड, इट मीन्स ये फुलफिलमेंट को खोजने की जो डायरेक्शन हमने चुनी है, ये डायरेक्शन में गड़बड़ है। और ये डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फाइव सेंसेस, दैट्स वेयर द कोर ऑफ द प्रॉब्लम इज देयर। आर वी टुगेदर सो फार? If you start to do prayasa, effort, to break the habitual pool of your five senses, you will automatically enter into the sixth sense. The sixth sense is the silence of the mind. There's a whole cosmic intelligence out there, which you can access, download, and live your life according to that. Just to give you a quick example, as an ending note on this, and you will, and this is an indication. अमेरिका में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं बर्निंग मैन फेस्टिवल। हैव यू हर्ड बर्निंग मैन फेस्टिवल? सम ऑफ यू हर्ड। इलॉन मस्क और इस तरह के सभी लोग उस बर्निंग मैन फेस्टिवल में जाते हैं। उस फेस्टिवल में वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं पहले पांचों सेंसेस को एक्साइट करने की। तो देयर इज लॉट ऑफ डांस, देयर इज लॉट ऑफ आर्ट, देयर इज लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, देयर इज लॉट ऑफ एक्शन, देयर इज लॉट ऑफ म्यूजिक, then there's a lot of yoga, then there's a lot of meditation. And then they make sure in the festival, thousands of people together enter into a state of meditativeness, which is silencing of the mind. When they achieve the silence of the mind, they call it the flow. They enter into a flow. Most of their business decision that they make comes from that flow. They're mastering the art to enter into the sixth sense by shutting their mind, by silencing their mind. कुछ साल पहले निकोलस टेस्ला, जो कि टेस्ला मोटर्स, जिसका पूरा IP is the battery design,
किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का सारा दामोदर है उसकी बैटरी के ऊपर, और टेस्ला ने बहुत पैसा लगा के बहुत साल आविष्कार करके बैटरी के डिजाइंस बनाए थे और उनको पेटेंट कराया था। कुछ साल पहले निकोलस टेस्ला, इलॉन मस्क को सॉरी, ये बात समझ में आ गई कि जब तक ये बैटरी का डिज़ाइन सिर्फ टेस्ला के पास रहेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा एंड द वर्ल्ड विल कोलैप्स बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट ही ओपन्ड द आईपी ऑफ द टेस्लाज बैटरी। तो आज आप टेस्ला की वेबसाइट पे जाके उनकी बैटरी का डिज़ाइन कॉपी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। निकोलस इलॉन मस्क ने बर्निंग मैन फेस्टिवल में, व्हेन ही एंटर्ड इनटू द सिक्स्थ सेंस, व्हेन ही वाज एबल टू साइलेंस हिज माइंड, ही मेड दैट डिसीजन। दिस डिसीजन केम टू हिम फ्रॉम अ कॉस्मिक इंटेलिजेंस। और जिस दिन से टेस्ला मोटर्स ने वो डिसीजन लिया, द कंपनी स्टार्टेड डूइंग फेयरली वेल ऑन द स्टॉक मार्केट। दे बिकेम रिचर एंड रिचर बाय एवरी डे when they became transparent and open. Logical mind cannot conceive this, but there was a cosmic intelligence here. We all have access to that cosmic intelligence provided we just do one thing. To aaj main is vishay mein ek hi sutra deta hu aapko, apart from the others that I shared with you. Learn to restrain your senses. Just one takeaway today. Learn to restrain your senses, that is all. Which means, अभी अगर आपका चाय पीने का मन कर रहा है, अगर आप चाय के हैबिचुअल हो, तो आप स्वयं को बोलना एक घंटे बाद पीता हूँ। You're just breaking the loop. Drink the tea, I'm not asking you not to drink the tea. But एक loop break कर दो उस time का। दूसरा सूत्र इसी को support करने वाला, just do one thing at a time. Not two things at a time. So अभी आप जब खाना खाएंगे, my suggestion to you would be, which is very difficult for you to follow, just eat the food. Do not network or talk at that time. You please do your networking or talking or greeting each other, either before the food or after the food. But at that moment, और आपको ये बड़ा अद्भुत लगेगा कि खाना खाने में आपको सिर्फ 7 से 10 मिनट लगेंगे, not too much of the time. आप उसके पहले बातचीत कर लीजिए एक दूसरे से, या उसके बाद कर लेना। इफ़ यू कैन जस्ट फॉलो दिस, नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट, यू माइट हैव एक्सेस समथिंग, एंड देन नेक्स्ट टाइम वी विल गो लिटिल मोर डीपर इनटू दैट।